नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटलेट आलू और पोहा ब्रेड का। बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी नाश्ता, एक बार ज़रूर बनाएं आप लोग। तो बनाना शुरू करते हैं कटलेट। ये हमने चार आलू लिए हैं और ये पोहा लिया है, पोहा को पीस लिया है अच्छे से। ये ब्रेड लिए हैं चार, ब्रेड को भी पीस लिया हमने, पाउडर बना लिया। और ये सब्जियाँ ली हैं, ये प्याज लिया एक बारीक बारीक काट लिया, हरी मिर्ची तीन चार, और ये टमाटर, शिमला मिर्ची और गाजर और हरा धनिया। आलू को मैश कर लेंगे अब अच्छे से। ये फ्राई पैन लिया है, इसमें ब्रेड ये डाल देंगे, ब्रेड पाउडर ब्रेड का, थोड़ा थोड़ा इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सुच, जो इसमें नमी है तो वो हट जाएगी, कुरकुरापन आ जाएगा इसमें। अच्छे से ये बन चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। अब ये सब्जियां इसी में मिला देंगे आलू में। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये अच्छे से मिक्स कर ली सारी सब्जियाँ। अब ये इसमें पोहा का ये पाउडर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना ज़रूरत होगा। अब इसमें मसाला ऐड कर लेंगे, ये लाल मिर्ची थोड़ी डालेंगे आधी चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया, और ये आम पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जो कि मिक्स हो जाए। हमने मैदा ली है, मैदे को घोल लेंगे थोड़ा पानी डाल के। इस तरह पतला घोल बना लेंगे इसका। ये थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और ये लेके अच्छे से इसको, आपका जैसा भी मन करे गोल या सिलेंडर शेप दे सकते हैं, ज़्यादा मोटा ना बनाए, पतला पतली बनाए। इस तरह बना लें। और इसमें ये मैदे का घोल रखा हमने, इसमें ऐसे डुबो के, और ये ब्रेड का पाउडर इसे अच्छे से ऊपर से लगा लेंगे अच्छे से इसमें। इसी तरह ये तैयार कर लेंगे हम, इसी तरह तैयार कर लेंगे सारे कटलेट। ये देखिए, ज़्यादा मोटे मत रखें क्योंकि अच्छे से फिर फ्राई नहीं होंगे। इस तरह सारे बना के तैयार कर लेंगे। तेल चेक कर लें एक बार, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और इसमें डाल देंगे ज़्यादा तेज गैस नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। Thank you.
अच्छे से ब्राउन होने तक सेंक लेंगे इनको पलट पलट के। इस तरह पलट देंगे दूसरी तरफ भी। अब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।